अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है जी आप लोगों का? सभी ठीक है आप लोगों की? होपफुली आप लोगों ने जो है वो कल का संडे जो है वो इन्जॉय किया होगा और पढ़ाई तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं की होगी। अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने प्रेपोजिशन जो है वो देखा था और उनका यूजेज जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज का लेक्चर भी हमारा जो है वो प्रेपोजिशन पे होगा, कुछ और हमारे प्रेपोजिशन है उनका यूजेज कैसे होगा या कहाँ पर उनका यूजेज होगा आज जो है वो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। आज हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो है बाय। अच्छा, बाय प्रेपोजिशन है। हमने ये देखना है कि हमारा बाय प्रेपोजिशन जो है वो कहाँ कहाँ पे आएगा या इसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो नंबर वन, हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन के लिए बाय का प्रेपोजिशन जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन के सवेरा क्वेश्चन किस तरह के होंगे, नाउन और प्रोनाउन के क्वेश्चन किस तरह से होंगे, ठीक है। और FLP का टाइम आप लोगों का मेरे ख्याल से 6 बजे का है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ सवेरा। ठीक है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, हमारा बाय एक आध प्रेपोजिशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उस क्वेश्चन पे जो है भाई 8 से 10 नहीं है, मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों की टाइमिंग जो है वो 6 बजे से हो गई FLP के। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन में देखिए, हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी ना नाउन और प्रोनाउन की, किस तरह से हम लोगों ने इसको प्लूरल बनाना है और प्रोनाउन जो है उसका यूजेज, उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, उसका जो इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है, इसी तरह से मटेरियल हमारा नाउन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपने याद करनी है और इसी से रिगार्डिंग जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को दो टाइप्स के जो है वो क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ FLP की और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, आप लोगों को आएगा स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में क्या होगा, लाइक वो ये कहता है Ali is good. और साथ ही वो कहते हैं कि जी यहां पे अगर मैं ऐसे करूं बिकॉज अली works hard। अच्छा, ये आप लोगों को ना स्पॉट द एरर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लेट्स सपोज वो इसको अंडरलाइन कर देता है और वो कहता है कि जी ए है, इसको अंडरलाइन करता है और वो ये कहता है कि जी ये बी है, अगर मैं इसके साथ एस डाल दूं, और फिर इसको अंडरलाइन करता है और इसको कहता है सी है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से एरर जो है वो स्पॉट करना है। जल्दी से मुझे बताएं कि इसमें जो है वो एरर आपका कहां पे है, जल्दी से। ए में एरर है, बी में एरर है या सी में एरर है, आप लोगों ने बता देना जल्दी से कि जहां पे आपका एरर होगा। आप इसको पढ़े, मैं एक दफा इसको पढ़ देता हूँ। अली इज गुड स्टूडेंट्स बिकॉज अली वर्क्स हार्ड, इस तरह से वो अंडरलाइन कर देगा वर्डिंग को और फिर आपसे जो है वो आंसर पूछेगा। लेकिन आप लोगों को जो FLP आएगा, मतलब आप लोगों से मुराद है जो आपको ऑनलाइन FLP आएगा, उसमें छोटा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये अंडरलाइन के ऑप्शन जो है वो हमारे पास इधर कंप्यूटर में नहीं होते। तो जब अंडरलाइन के ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो वो आपका अंडरलाइन को या तो वो इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे या वो इसको बोल्ड कर देंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास जो नेट आप लोगों के पास जो ऑनलाइन आता है, ठीक है, आप लोगों के दो यहाँ पे एरर नजर आ रहे हैं। अगर आप लोगों को नजर आ रही तो कौन कौन से एरर है, एक तो ये जब हमारा सिंगुलर है तो ये भी हमारा नॉन भी हमारा सिंगुलर आएगा, तो इसके साथ हमने एस का एडिशन किया। हम लोग कहेंगे हमारा एक तो एरर है बी में और दूसरा बिकॉज अली नाउन लिखा हुआ है तो हम लोग इसकी जगह प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपका एरर बन सकता है। लेकिन ये वाला आपका एरर कंफर्म है, ये वाला एरर भी आपका बन सकता है। बन सकने से मुराद है अली अगर यहाँ पे नाउन लगाते तो नाउन भी ठीक है, लेकिन प्रोनाउन जो है वो इसके लिए ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड नहीं आएगा, आएगा दानिया, यही मैं कह रहा हूँ कि आपका ये भी एरर बन सकता है, आपका ये भी एरर। 8 बजे, ठीक है।
अच्छा आप लोगों का आज का टेस्ट है वो 8 बजे है जी FLP का, क्लियर है। इस तरह के आप लोगों को जो है वो स्पॉट दी एरर के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। और एक और आपको आएगा नाउन या प्रोनाउन का। ईमान ही आता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि दो आपके एरर जो है वो बी और सी में जो है वो एरर है। बोथ का ऑप्शन कैसे हो बता दे। देखो आपका अली नाउन जो है वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर लेते हैं जो कि ही है, और प्रोनाउन जो है वो ज्यादा सूटेबल है देन नाउन। तो अगर आपके पास ऑप्शन आए तो आपने जो है वो उसको एरर में स्पॉट कर देना है, ठीक है जी। अच्छा और इसके साथ आप लोगों की वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी में क्या होगा, आप लोगों को एक वर्ड जो है वो दिया जाएगा और उसके 1, 2, 3, 4 एक मीनिंग जो है वो उसका ठीक होगा और 3 जो है वो ऑप्शन रॉन्ग होंगे। आपने क्या करना होगा, आपने उसका सिनोनिम जो है वो राइट वाला सिनोनिम जो है उसको आपने क्लिक करना होगा, क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा अब बात करते हैं कि हमारा बाय का प्रपोजिशन है और बाय का प्रपोजिशन जो है वो हमने यूज कैसे करना है और कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं बाय का हमारा जो प्रपोजिशन है वो हम लोग यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। बाय का प्रपोजिशन जो है वो हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए जब यूज करेंगे तो बाय हमें क्या मीनिंग देगा, बाय हमें ये देगा हाउ वी कम्युनिकेट, हाउ वी कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट किया या किस तरीके से जो है वो कम्युनिकेट किया, इन व्हाट वे कर दे। अगर बाय कम्युनिकेशन के साथ आए, दोबारा से रिपीट करो, अगर बाय कम्युनिकेशन के साथ आए तो क्या बाय से क्या मुराद होगा कि कैसे कम्युनिकेट किया और किस तरीके से कम्युनिकेट किया, ये दो मीनिंग जो है वो आपको, ये बाय जो है वो आपको दो मीनिंग देगा। कब देगा, जब इसके साथ आप कोई कम्युनिकेशन जो है वो ऐड कर देंगे। एग्जांपल मैं लिख लेता हूं फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैं कहता हूं कि जी आई रिसीव्ड मैसेज बाय पोस्ट, आई रिसीव मैसेज बाय पोस्ट। अब यहां पे बाय जो है वो क्या बता रहा है, बाय जो है वो क्या बता रहा है, ठीक है हबीबा, टेलीफोन भी कर सकते हो और टेलीफोन की स्पेलिंग आपने देख लेना हबीबा। अच्छा आई रिसीव मैसेज बाय पोस्ट, तो बाय से क्या मुराद है, इन व्हाट वे या इन विच कर दें, इन विच वे, किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो मैसेज रिसीव किया, किस तरीके से हम लोगों ने मैसेज रिसीव किया, हाउ वी रिसीव मैसेज या इन विच वे वी रिसीव मैसेज, कौन बता रहे हैं आपको, बाय जो है वो ये बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से जो है वो अपना मैसेज रिसीव किया, किस तरीके से रिसीव किया, बाय पोस्ट कर दें, बाय ईमेल कर दें, बाय टेलीफोन कर दें, क्लियर है। बाय अगर तो कम्युनिकेशन के साथ आ जाए, बाय अगर कम्युनिकेशन के साथ आ जाए तो फिर आपका बाय जो है वो क्या मीनिंग देगा, आइडिया हो गया। बाय अगर कम्युनिकेशन के साथ आए तो क्या मीनिंग देगा आपको, आइडिया हो गया, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी से बताइए। अच्छा सेकंड वाला हमारे पास है ट्रांसपोर्ट, अगर बाय ट्रांसपोर्ट के साथ आ जाए तो फिर बाय जो है वो क्या मीनिंग देगा, बाय अगर ट्रांसपोर्ट के साथ आ जाए तो फिर बाय जो है वो क्या मीनिंग देगा। आप लोगों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग जैसे कम्युनिकेशन का मीनिंग दिया, उसी तरीके से जो है वो बाय ट्रांसपोर्ट के साथ भी मीनिंग देगा कि आपने सफर किया, लेट सपोज आप कहते हैं कि जी आपने जो है वो जर्नी किया और किस थ्रू जर्नी किया, किस वे से जर्नी किया, ये आप लोगों को कौन बताएगा, ये आप लोगों को बाय का प्रपोजिशन जो है वो बताएगा। लेट सपोज आप कहते हैं कि जी आई रीच लाहौर बाय, क्या बता रहा है,
कि किस वे से आपने जो है वो अपना जर्नी किया, तो बाय ट्रेन कर दें यहां पे, बाय बस कर दें यहां पे, बाय कार कर दें यहां पे, बाय एरोप्लेन कर दें यहां पे, या प्लेन कर दें यहां पे, तो कुछ भी कर दें आप लोग। अब बाय क्या आपको दे रहा है, क्या मीनिंग दे रहा है आपको, कि किस वे से आपने अपना जर्नी जो है वो किया, किस वे से आपने अपना जर्नी जो है वो किया, कौन बता रहे हैं आपको, ये वाला प्रपोजिशन जो है वो आपको बता रहे हैं। क्लियर है? अगर आपके पास बाय आ जाए, बाय ट्रेन, ठीक है, बाय ट्रेन, ठीक है, अगर आपके पास बाय और साथ में कम्युनिकेशन का वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब है बाय आपको ये बता रहा है कि आपने किस थ्रू जो है वो कम्युनिकेट किया। बाय ट्रांसपोर्ट के साथ आ जाए तो ये बता रहा है कि जी किस वे से जो है या किस थ्रू आपने जो है वो अपना ट्रांसपोर्ट किया। क्लियर है? अच्छा, फिर हमारे पास अगर बाय जो है वो आ जाए प्लेस के साथ, बाय जो है वो प्लेस के साथ आ जाए, तो फिर हमारा प्रेपोजिशन जो है वो क्या मीनिंग दे देगा, बाय आ जाए और साथ में प्लेस आ जाए। अच्छा, बाय के साथ प्लेस आ जाए तो फिर बाय जो है वो क्या मीनिंग देगा, तो याद रखिएगा बाय के साथ अगर प्लेस आ जाए तो फिर बाय के मीनिंग जो है वो हो जाएंगे बिसाइड, नियर, नेक्स्ट, या आपके पास आ जाएंगे क्लोज टू। बाय के साथ अगर प्लेस आ जाए, बाय के साथ अगर प्लेस आ जाए तो फिर आपको बाय जो है वो डिफरेंट मीनिंग देगा, कौन कौन से, बिसाइड का भी दे सकता है, नियर का भी दे सकता है, नेक्स्ट टू का भी दे सकता है, और क्लोज टू का भी दे सकता है। क्लियर? अगर बाय के साथ प्लेस आ जाए तो बाय का क्या मतलब होगा, बाय का मतलब होगा बिसाइड, बाय का मतलब होगा नियर, बाय का मतलब नेक्स्ट टू, बाय का मतलब जो है वो क्लोज टू। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं कहता हूँ कि जी माय हाउस इज नियर बाय स्टेशन, अच्छा दानिया ऑन जो है वो आपका सेंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखो ऑन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर ऑन की बात करें उसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, ठीक है, ही स्टैंडिंग बाय द कार, ठीक है, सही बात, ठीक कर रही हो, ही स्टैंडिंग बाय द कार से मुराद है नेक्स्ट टू, बिसाइड टू, उसके करीब जो है वो खड़ा हुआ है, ये सारे जो है वो बाय हमें मीनिंग देगा। अच्छा, इसका समझ आ गया। दानिया का क्वेश्चन है जी ट्रांसपोर्ट के साथ ऑन भी आता है, ऑन भी आता है, पूछ रही हो या बता रही हो, अच्छा इसका समझ आ गया। बाय से क्या मुराद है, बाय स्टेशन भी कर सकते हो और इसमें जो है वो आप कुछ भी लगा सकते हैं जी, रिवर भी कर सकते हैं, इसमें माउंटेन कर सकते हैं, तो इसका मतलब होगा आपका घर जो है वो माउंटेन के पास है, आपका घर स्टेशन के पास है, उसके साथ है, इसी तरह के ये वाले मीनिंग जो है वो आपको दे देगा बाय। क्लियर है? बाय के साथ अगर प्लेस आ जाए तो फिर आपको क्या मीनिंग देगा बाय, याद क्लियर है? बाय कम्युनिकेशन, बाय ट्रांसपोर्ट और बाय जो है वो प्लेस, याद क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं जी, एक्सेप्शनल केस, ठीक है। अच्छा दानिया ऑन जो है उसकी थोड़ी सी सेंस हमारी चेंज होती है, अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो बताना तो फिर आप जो है वो बाय यूज करते हैं, अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ट्रांसपोर्ट का बताना फिर आप बाय यूज करते हैं, ऑन भी यूज कर सकते हैं लेकिन, ठीक है। लाइक आप कहते हो कि जी आई वॉक्ड, जो भी आप कहते हैं, आई कवर द डिस्टेंस ऑन फुट, यहाँ पे आपका ऑन आएगा। जब आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बताना तो फिर आप जो है वो बाय कहते हैं, सॉरी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए बाय कहते हैं, ये मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। आपने कहा था कि ट्रांसपोर्ट के लिए ऑन लगाते हैं, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बताना, वे जो है वो बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, फिर हम लोग बाय लगाते हैं, ऑन जो है वो हम लोग एक्सेप्शनल केस में यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सेप्शनल केस आपका, ठीक है, ठीक है जी, समझ आ गया। अगर बाय के साथ प्लेस आ जाए तो फिर आपने जो है वो इसका मीनिंग जो है वो क्या लेना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी पेमेंट,
अगर बाय पेमेंट के साथ आ जाए तो बाय आपको क्या मीनिंग देगा? बाय आपको ये मीनिंग देगा कि आपने किस थ्रू जो है वो अपनी पेमेंट की। बाय के साथ अगर पेमेंट आ जाए तो आपको ये बताएगा बाय कि आपने किस थ्रू जो है वो पेमेंट की। आप कहते हो कि जी आई पेड माय बिल्स कर दें या बिल कर दें, बाय कैश भी कर सकते हैं, बाय कार्ड भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पे बाय क्या मीनिंग दे रहा है? यहां पे बाय आपको ये मीनिंग दे रहा है कि किस वे से जो है वो आपने पेमेंट की, किस वे से जो है वो आपने पेमेंट की। क्लियर है? बाय प्लस पेमेंट, बाय प्लस पेमेंट, समझ आ गया? ठीक है, बाय क्रेडिट कार्ड भी कर सकती हो, बाय कैश भी कर सकती हो, बाय चेक भी कर सकते हैं, आप लोगों पे डिपेंड करता है, कुछ भी यूज कर दे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पैसिव भी है, पैसिव का भी देख लेते हैं। अच्छा, पैसिव में हमारे पास बाय जब आता है तो बाय हमें क्या मीनिंग देता है? पैसिव में जब हमारे पास बाय आता है तो बाय हमें मीनिंग देता है वो डिड एन एक्शन, कि किसने जो है वो काम किया। अच्छा ईशा, कैश ऑन डिलीवरी जो है वो आपका सेपरेट केस है। मैं ये कह रहा हूं जब आप पेमेंट कर रहे हैं, जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप बाय आपको ये बताएगा कि आपने किस थ्रू जो है वो पेमेंट की। आपने कोई चीज परचेज की, आपने किस थ्रू जो है वो पेमेंट की। कैश ऑन डिलीवरी से मुराद ये है आपके पास कोई चीज लेके आया और फिर आपने जो है उसको कैश दिया। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं पैसिव की। यहां पे एक स्ट्रक्चर जो है वो मैं एक एग्जांपल जो है वो लिख लेता हूं। द वर्क इज डन बाय अलीगढ़। द वर्क इज डन बाय अली, पैसिव का हमारा सेंटेंस है। अब यहां पे बाय हमें क्या मीनिंग दे रहा है? बाय हमें क्या मीनिंग दे रहा है कि किसने जो है वो एक्शन किया। तो वर्क इज डन, काम किस किया, किसने किया? अली ने। कौन बता रहे हैं आपको? बाय आपको बता रहा है कि जी किसने जो है वो काम किया। अगर पैसिव में आ जाए तो पैसिव में बाय से क्या मुराद होगा? पैसिव में बाय से मुराद होगा कि काम जो है वो किसने किया। क्लियर है? अच्छा, बाय का समझ आ गया। बाय अगर कम्युनिकेशन के साथ यूज हो तो इसका मतलब है कि किस थ्रू जो है वो आपने कम्युनिकेट किया। अगर बाय जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो तो किस थ्रू आपने जो है वो ट्रांसपोर्ट किया। फिर अगर बाय प्लेस के लिए यूज होता है तो इसका मतलब है बिसाइड, और इसका मतलब है क्लोज टू, या इसका मतलब है नेक्स्ट टू। अगर बाय जो है वो पेमेंट के लिए यूज होता है तो इसका मतलब है कि किस थ्रू जो है वो आपने पेमेंट की। और अगर पैसिव में सेंटेंस, पैसिव के सेंटेंस में यूज होता है तो इससे मुराद है कि कौन जो है वो एक्शन कर रहा है। बाय अली, तो इससे मुराद है अली जो है वो एक्शन कर रहे हैं, या एक्शन किया या कर रहा है, दोनों सिचुएशन जो है वो इसमें आ सकते हैं। समझ आ गया? बाय का समझ आ गया? जल्दी से बताइएगा जी, बाय का समझ आ गया? अच्छा, अभी हबीबा हम लोग जो इसके एक्सेप्शनल केस है उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, बाय मेजरमेंट भी आ सकता है, और मेजरमेंट किस थ्रू आपने जो है वो मेजरमेंट की। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, बाय का समझ आ गया जी। बाय में हम लोगों ने पढ़ा है जी बाय कम्युनिकेशन,
और कम्युनिकेशन के लिए बाय यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए बाय यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पेमेंट के लिए, पेमेंट मेथड ऑफ पेमेंट के लिए बाय यूज़ कर सकते हैं, पैसे में हम लोग बाय यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक और प्रपोजिशन होता है फॉर। फॉर फोर जो है वो किस किस चीज के लिए यूज करते हैं। फोर का मीनिंग, अगर मीनिंग की बात करें तो फोर का मीनिंग आ जाता है बिकॉज, ये बिकॉज की सेंस में जो है वो आपका मीनिंग आ जाता है। फोर का मीनिंग जो है वो आपका बिकॉज की सेंस में आ जाता है। और इसका एक और मीनिंग भी है, वाई एन एक्शन इज डूइंग, एक्शन जो है वो क्यों हो रहा है, या अगर तो इसको और सिंपल कर दें, एक्शन इज डन। अच्छा, फोर है जी, फोर का मीनिंग आप बिकॉज की सेंस में भी कर सकते हैं और आप जो है इस सेंस में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे उससे जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा। आप कहते हैं कि जी आई कुक्ड फूड आई कुक्ड फूड आपके पास एक सेंटेंस आ गया, आई कुक्ड फूड। और खाना जो है वो क्यों पका रहे हैं या किसके लिए पका रहे हैं, ये आपको कौन बताएगा, ये आपको फोर जो है वो बताएगा। आई कुक्ड फूड आपके पास सेंटेंस आ गया, खाना बना रहे, खाना बना लिया, क्यों बनाया है या किसके लिए बनाया है कौन बताएगा आपको, आपको फोर का प्रपोजिशन जो है ये बताएगा। फोर माय फैमिली या बिकॉज ऑफ माय फैमिली, अपने फैमिली की वजह से, समझ आया। दोबारा से देख लें, फोर जो है इसको बिकॉज के सेंस में भी ले सकते हैं। आई कुक्ड फूड, खाना बनाया, किसके लिए बनाया या क्यों बनाया, फॉर माई फैमिली, अपने खानदान के लिए। ठीक है, फॉर गेस्ट भी कर सकते हैं, फॉर ब्रदर भी कर सकते हैं, सिस्टर भी कर सकते हैं, वट एवर जो आपका दिल करे उसमें आप लगा सकते हैं उसमें। तो फॉर का आइडिया हो गया आपको। अब आप लोगों ने एक एक सेंटेंस जो है वो आप लोग फोर का बनाए जल्दी से, एक एक एग्जांपल जो है वो आप लोग जल्दी से देंगे फोर के। फोर जो है वो हम लोग और कहां पे यूज कर सकते हैं, जल्दी कीजिएगा। ठीक है, माई सेल्फ भी कर सकते हो। तो फोर का मीनिंग समझ आ गया, जल्दी से आप लोगों ने सेंटेंस बना लिया, एक एक एग्जाम्पल से आप लोगों ने करनी है और जल्दी से बनानी है एग्जाम्पल। हबीबा, फॉर आई एम गेटिंग हंग्री नहीं है, ठीक है जी, तैयब ठीक है। किसके लिए चीज परचेज की, किसके लिए काम किया, ठीक है हसन, शाबाश फॉर सक्सेस, ठीक है शहराज, ठीक है फरीहा, ठीक है शाबाश, ठीक है जी। आप फोर का समझ आ गया जी, फोर का प्रपोजिशन जो है वो आप कब यूज करते हैं, फोर का प्रपोजिशन आप कब यूज करते हैं, ठीक है। नमान खान, ज्यादा जज्बाती हो गए हो आप, इतना जज्बाती नहीं हो ना, क्लास है ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी फ्रॉम और
फ्रॉम है, फिर इसके बाद टू अंटिल और टिल। अच्छा इसमें एक चीज याद रखिएगा, ठीक है हो गया जी, बस करें हो गया। अच्छा ये अंटिल और टिल जो है वो ऑलमोस्ट ये दोनों सेम है। अब टिल जो है वो शॉर्ट फॉर्म है अंटिल के। अच्छा ये क्या करता है जी, बिगनिंग एंड एंड ऑफ द एक्शन। ये क्या बताता है हमें, बिगनिंग और एंड ऑफ द एक्शन जो है वो बताता है। मैं यहां पे अगर लिख दूं, बिगनिंग एंड ऑफ द पीरियड, फ्रॉम और टू, टू भी आ सकता है, अंटिल भी आ सकता है और टिल भी आ सकता है। फ्रॉम और टिल किस चीज के लिए यूज करते हैं, बिगनिंग और एंड ऑफ द पीरियड। बिगनिंग और एंड ऑफ द पीरियड के लिए जो है वो हम लोग फ्रॉम और टिल का जो प्रेपोजिशन है उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं, कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस आर क्लोज्ड फ्रॉम 15th मार्च टू 15 अगस्त कर दे, अच्छा ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास जो है वो आपका फ्रॉम टू अंटिल या टिल की जो है वो एग्जांपल आ गई। यूज किसके लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, बिगनिंग के लिए और एंड ऑफ द पीरियड, पीरियड के स्टार्ट के लिए और उसके एंड के लिए जो है वो हम लोग यूज करते हैं। अच्छा मैं हबीबा मैं कह रहा हूं मतलब बिकॉज नहीं होगा, मैं ये कह रहा था बिकॉज की सेंस में ले सकते हो, और ये मैंने इसलिए कहा था कि आपको उसका यूजेज है वो समझ आ जाए। ये सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको कहा था बिकॉज की सेंस में आप उसको ले सकते हैं। आपने ये काम किया बिकॉज, क्यों किया बिकॉज, इसलिए मैंने कहा था इसका मीनिंग बिकॉज नहीं होता वैसे। ठीक है ठीक है, 13 मार्च कर देते हैं जी, तभी मैं 13 मार्च कर देते, ये ले। अच्छा अब यहां पे हमने क्या किया, हमने दो प्रेपोजिशन जो है वो यूज किए, हमने क्या किया फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ टाइम यूज किया, हमने क्या किया एंडिंग ऑफ टाइम जो है उसके लिए यूज किया। टू की जगह आप अंटिल भी कर सकते हैं, और अंटिल के साथ आप टिल भी कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी प्रेपोजिशन जो है वो आप लगा सकते हैं, किसके लिए, बिगनिंग ऑफ टाइम और एंड ऑफ पीरियड या टाइम के लिए जो है वो आप इन दो का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है जी, अच्छा समझ आ गया, 23 जुलाई कर देते हैं, 23 जुलाई कर देते। नमान खान कह रहे हैं तो उसकी बात को हम लोग मना नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको 23 जुलाई कर लेते हैं। ठीक है बस तभी आपने फीस सबमिट करवाई है इसीलिए चैम्बो उन्होंने छुट्टियां दे दी, आपने नहीं सबमिट करवानी थी। ठीक है इसको समझ आ गया जी आप लोगों को, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन बाय का प्रेपोजिशन कब यूज करना है, फॉर का प्रेपोजिशन कब यूज करना है, और फ्रॉम अंटिल और टू का प्रेपोजिशन जो है वो कब यूज करना है। समझ आ गया, जल्दी से बताइएगा, समझ आ गया, जल्दी बताइएगा जी। है तो दे दे। अच्छा अप्रैल कर देते हैं, अप्रैल इसका स्टार्ट की बात कर रही हो, 13 अप्रैल या एंड की बात कर रही हो। ठीक है जी, अगर ये क्लियर हो गया ठीक है, प्रेपोजिशन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। एक और है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज जो है वो वोकैबुलरी को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो आप लोगों ने वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। एक और प्रेपोजिशन कर लेते हैं जल्दी से,
अच्छा एक हमारे पास लास्ट है जी, फोर और सिंस का यूज है वो कहाँ पे होना है। हम लोग अगर तो टेंसेस की बात करें तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, इन तीनों में जो है वो हम लोग सीखते हैं कि जी फोर का यूसेज कहाँ पे होना है और सिंस का यूसेज जो है वो कहाँ पे होना है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, फोर का यूसेज है, फोर का प्रेपोजिशन जो है वो कहाँ पे यूज होना है और सिंस जो है वो आपका प्रेपोजिशन है। याद रखिएगा फोर और सिंस जो है वो आपका प्रेपोजिशन है। तो फोर का यूज कहाँ पे होना है, सिंस का यूज कहाँ पे होना है, ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो देख लेनी है। सबसे पहले फोर की बात करें और फिर सिंस की बात करें। अच्छा फोर जो है वो आप लोगों का पीरियड के लिए जो है वो यूज होता है, फोर जो है वो आपका पीरियड के लिए यूज होता है, ड्यूरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज आप कहते हो कि जी अगर मैं इधर कर दूं वन और ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास पीरियड आ गया। अच्छा फिर इसके बाद आप करते हैं टू डेज, फिर आपके पास वन मंथ भी कर सकते हैं, टू मंथ भी कर सकते हैं, फिर इसके बाद टू ईयर भी कर सकते हैं, इसी तरह से सौ, और इसी तरह से आप जो है सिंस जो है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी जो है वो यूज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों का मॉर्निंग है, पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों का आफ्टरनून है, पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों का मिडनाइट है। अच्छा मिडनाइट से मुझे याद आया, 12 दिन के 12 बजे को क्या कहते हैं और रात के 12 बजे को क्या कहते हैं, और इसके साथ हम लोग एएम लगाएंगे या पीएम लगाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ रात के 12 बजे, उसके साथ एएम लगाएंगे पीएम लगाएंगे, और जो दिन के पूरे 12 बजेंगे उसके साथ क्या लगाएंगे, एएम लगाएंगे या पीएम लगाएंगे, आप लोगों ने बताना है जल्दी से। फिर इसके बाद मंडे पॉइंट ऑफ टाइम, फिर इसके बाद आप लोगों का मंथ की बात करें तो जुलाई, और इसी तरह से ईयर की बात करें तो 2020। तो ये आप लोगों का जो है वो सिंस में आ जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, और ये आप लोगों का ड्यूरेशन में आ जाता है, और इसके साथ हम लोग फोर यूज करते हैं। ये जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और ठीक है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू करेंगे तो उसके साथ जो है वो हम लोग देखेंगे कि इसका यूजेज जो है वो कहाँ कहाँ पे करना है। अच्छा ठीक है जी, दिन वाले के साथ पीएम लगाएंगे और रात वाले के साथ एएम लगाएंगे। ठीक है फरा, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, आपके पूरे जो 12 बजे उसके साथ ना आप लोग एएम लगाते हैं ना आप लोग पीएम लगा सकते हैं। हाँ 12:01 है फिर इसके साथ आप जो है वो पीएम एएम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पूरे 12 बजते हैं उसके साथ आप ना एएम लगाते हैं ना आप पीएम लगाते हैं, तो होता क्या है रात के जो 12 बजते हैं उसको आप मिडनाइट कहते हैं और इसको कहते हैं 12 आफ्टरनून, आफ्टरनून। हाँ अगर आपका एक ऊपर हो जाए तो फिर आप इसके साथ पीएम लगा देते हैं, लेकिन पूरे जो 12 होते हैं उसके साथ आप ना एएम लगाते हैं ना पीएम लगाते हैं, क्लियर। अच्छा अब बात करते हैं जी वोकैबुलरी की, कि किस तरीके से जो है वो आपको आपने वोकैबुलरी जो है वो अपनी सॉल्व करनी है, और आपका जो यूएचएस का सिलेबस है उसमें भी आपके पास एक वर्ड है, अगर आपने देखा हो तो सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हो गया मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, ये आप लोगों को क्या बताता है, इसको जो है वो हम लोग देखेंगे। मॉर्फोलॉजी होता क्या है ये देखना है हमने। देखिए सबसे पहले ये याद रखिएगा, ठीक है तई भाई यही मैं कह रहा हूं 00 ये 00 हो जाता है तो इसका मतलब है मिडनाइट। तो इसके साथ ना एएम यूज करते हैं ना पीएम यूज करते हैं। हाँ अगर आपका एक मिनट ऊपर हो या एक मिनट नीचे हो
उसके साथ आप एएम पीएम जो है वो यूज कर सकते हैं। रात के जो 12 बजेंगे उसके साथ मिडनाइट, 12 मिडनाइट, और दिन के जो 12 बजेंगे उसके साथ 12 आफ्टरनून। क्लियर है? अगर 12:01 हो जाता है दोपहर का तो उसके साथ पीएम आप लगा देंगे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या होता है जी? मॉर्फोलॉजी हमारा होता है, स्टडी ऑफ वर्ड, वर्ड का स्ट्रक्चर भी कर दे। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी आपका वर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को जो है वो मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आयशा, वर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को जो है वो मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और ये आपको हेल्प करता है, ये आपको हेल्प करता है किस चीज में? ये आपको हेल्प करता है जो आपका वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है, उसके मीनिंग गेस करने में जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। अच्छा, अब करना क्या होता है कि जी हमने जो है वो कुछ हमारे पास प्रीफिक्स और सफिक्स वगैरह होते हैं। अच्छा, प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है? आप लोग चैट जरा बंद कर दो। प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है? जल्दी से बताइएगा, प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है? अच्छा, आप लोग चुप करते हैं या आप लोगों की चैट बंद करवा दूं? मुझे ये बताइएगा प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, जल्दी से बताएं। ठीक है इमान, प्रीफिक्स तो हम लोग वर्ड से पहले लगाते हैं, और सफिक्स है वो जो हम लोग वर्ड से बाहर लगाते हैं। अब मॉर्फोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे? मॉर्फोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे हमारे पास पॉजिटिव सफिक्स कौन से है, और पॉजिटिव जो है वो प्रीफिक्स कौन से है, नेगेटिव प्रीफिक्स कौन से है, इसी तरह से सफिक्स पॉजिटिव कौन से है और नेगेटिव कौन से है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो जो प्रीफिक्सेस हैं हमारे पास, हम लोग उनके मीनिंग पता करते हैं, उनके मीनिंग जो है वो याद करते हैं, और फिर उनके मीनिंग से हम लोग जो हमारा रूट वर्ड है, जो हमारा मेन वर्ड है, उसके मीनिंग जो है वो गेस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सफिक्स है, ओलॉजी जो है सफिक्स है, मीनिंग इसका क्या होता है? मीनिंग इसका होता है नेम ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर है? ओलॉजी क्या है जी, मतलब इसका क्या है? मेरे पास सफिक्स है, मतलब इसका क्या है? नेम ऑफ स्टडी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ एक रूट वर्ड जो है वो लगा देते हैं, और रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड हमारा बेसिक वर्ड होता है जिसके साथ सुफिक्स और प्रीफिक्स मिलके जो है वो उसको एक मीनिंग जो है वो देते हैं। अब हमारे पास ये जो है सुफिक्स है, इसके थ्रू हम लोग मीनिंग कैसे गैस करेंगे वो देख लें। लेट्स सपोज हमारे पास एक और वर्ड आ जाता है जी, जू प्लस लॉजिक। अब इसका मीनिंग गैस करें क्या होगा? इसका मतलब होता है एनिमल से रिलेटेड आपका, और इसका मतलब क्या है? स्टडी। एनिमल से रिलेटेड है ये वर्ड, अगर मैं इसका मीनिंग जो है वो मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि जी एनिमल से रिलेटेड जो है ये मेरा वर्ड, और इसका मतलब है स्टडी, नेम ऑफ सब्जेक्ट है। तो अगर आप इसका मीनिंग गैस करेंगे तो क्या आपके पास मीनिंग आएगा, जल्दी से बताइएगा। आपका यही मीनिंग आएगा अगर आप गेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ताइबा बिल्कुल ठीक पहुंचे आप। एनिमल स्टडी या एनिमल सब्जेक्ट कर दे, एनिमल स्टडी कर दे। क्लियर है? तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें मॉर्फोलॉजी बताती है। मॉर्फोलॉजी क्या बताती है? मॉर्फोलॉजी हमें ये बताती है इस सुफिक्स का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव सुफिक्स है, नेगेटिव सुफिक्स है, या इस सुफिक्स का जो है ये मतलब क्या है, या इस प्रीफिक्स का जो है वो मतलब क्या है। तो जब आपका प्रीफिक्स या सुफिक्स का मतलब आपको पता होगा तो इसके थ्रू आप
काफी सारे वर्ड जो है वो उनके मीनिंग गेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक और है जी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ जो है वो वर्ड को कहते हैं, वर्ड को। और ये ओलॉजी क्या मतलब है? स्टडी। और इसका मीनिंग गेस करें, मीनिंग इसका गेस करें, इसका मीनिंग क्या होगा? अच्छा, इसी तरह मैं कह रहा हूं कि जी मॉर्फोलॉजी है, लेट्स सपोज मेरे पास वर्ड है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है वर्ड, और लॉजी का क्या मतलब है? लॉजी का मतलब स्टडी। तो अगर मैं मीनिंग गेस करूं तो मीनिंग इसका क्या आएगा? वर्ड को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? वर्ड की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? वर्ड के स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? हम लोग उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके साथ हमारे पास एक और सफिक्स की अगर बात करूं, हमारे पास एक सफिक्स होता है फोबिया। हमारे पास एक सफिक्स होता है फोबिया, मतलब इसका क्या है? मतलब इसका फेयर। अगर आप इसके साथ लगा दें हाइड्रोफोबिया, क्या बनेगा? अगर इसके साथ आप लगा दें इस्लाम फोबिया, क्या बनेगा मीनिंग? अगर इसके साथ आप लगा दें एनिमल फोबिया। अब एक वर्ड आपको पता है या एक सुफिक्स का आपको मीनिंग पता है, उस सुफिक्स के एक मीनिंग से आप 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी आपके पास हैं, आप उनके मीनिंग जो है वो गेस कर सकते हैं। और यही चीज आपको कौन बताएगा? यही चीज आपको मॉर्फोलॉजी बताएगी कि किस तरह से आपने अननोन वर्ड का मीनिंग जो है वो गेस करना होता है। क्लियर है? अगर मैं इसकी बात करूं हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया से मुराद है जिसको पानी से खौफ हो, उसके लिए हम लोग जो है वो कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इसको इस्लाम फोबिया, इस्लाम फोबिया से मुराद है इस्लाम से खौफ। एनिमल फोबिया मतलब एनिमल से खौफ। इसी तरह से आप यहां पे कोई भी वर्ड ऐड कर दें, उसके साथ फोबिया लगाएंगे तो आपका मीनिंग जो है वो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? और यही चीज आपको कौन बताएगा? यही चीज आपको मॉर्फोलॉजी बताती है कि किस तरीके से आपने जो है वो वर्ड का मीनिंग जो है वो गेस करना है। एक और मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, एक और सफिक्स है वो लिख लेता हूं। हमारे पास एक सफिक्स होता है इज्म, ISM। मीनिंग इसका क्या होता है? मीनिंग इसका होता है फेथ, थ्योरी को कहते हैं, फेथ को कहते हैं, या इसको मूवमेंट की सेंस में भी ले सकते हैं, थ्योरी, फेथ। और अब मैं अगर इसके साथ लगा देता हूं इस्लाम, आगे इज्म, बी बुद्ध इज्म, तो क्या बनेगा? हिंदुइज्म भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर मैं यहां पे कर दूं पेट्रियोटिज्म, अब अगर मीनिंग इसके फाइंड करने की कोशिश करें तो आप लोगों के इसके मीनिंग जो है वो आइडिया हो जाएगा, मीनिंग का आइडिया हो जाएगा। अब हुआ क्या,
हमने जो है वो एक सुफिक्स का मीनिंग पढ़ा या एक सुफिक्स का मीनिंग याद किया और उसके थ्रू क्या हुआ, उसके थ्रू हमने कुछ चार पांच छह वर्ड का मीनिंग जो है वो गेस कर दिया। अच्छा, आप लोग जो है वो खुशकिस्मत है, आपकी क्लास में जो है वो जन्नती लोग भी पढ़े हैं। इसका समझ आ गया? क्लियर है? मॉर्फोलॉजी हमें क्या बता रहा है? मॉर्फोलॉजी हमें यही बता रहा है कि आपने मीनिंग जो है वो किस तरह से गैस करना है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग डेली बेसिस पे कुछ हमारे प्रीफिक्सेस हैं, कुछ हमारे सुफिक्सेस हैं, उसके हम लोग जो है वो मीनिंग याद करेंगे और उन मीनिंग के थ्रू जो है वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने वर्ड को जो है वो गैस करने की कोशिश करेंगे। और ये आपके पास जो है वो मॉडर्न टेक्निक है जिसके थ्रू आप किसी भी वर्ड का मीनिंग जो है वो गैस कर सकते हैं, किसी भी वर्ड का मीनिंग जो है वो जान सकते हैं। क्लियर है? हाँ भाई, कंफर्म जन्नती, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ यहाँ पे जो है वो प्रीफिक्सेस लिख रहा हूँ, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, वो आप लोगों ने याद करने हैं कल। हमारे पास प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है और ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, ये भी याद रखिएगा। नेगेटिव प्रीफिक्सेस कुछ है हमारे पास। अब नेगेटिव प्रीफिक्सेस कौन से होते हैं? नेगेटिव प्रीफिक्सेस आप लोगों के, लेट्स सपोज आप लोगों का ए बी जो है वो आपका प्रीफिक्स है और नेगेटिव प्रीफिक्स है। इसकी मैं एग्जांपल अगर मैं लिख लूं, ए बी नॉर्मल। अब ए बी जो है वो आपने याद रखना है आपका नेगेटिव प्रीफिक्स है और जिस वर्ड के भी साथ आएगा ये आपको नेगेटिव मीनिंग जो है वो ही देगा। ठीक है सर, ठीक कर देते हैं इसको, आप अपना इसको रिफ्रेश कर देना। आप ये प्रीफिक्सेस है वो आप लोग याद करेंगे जो हमारे पास है, नेगेटिव प्रीफिक्सेस। हमारे पास आई एन जो है वो प्रीफिक्स है और नेगेटिव प्रीफिक्स है। इसके बाद हमारे पास यू एन प्रीफिक्स है और ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। इसके बाद हमारे पास डी ई प्रीफिक्स है और ये भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव की सेंस में आता है। फिर इसके बाद डी आई एस प्रीफिक्स है, नेगेटिव प्रीफिक्स है। फिर इसके बाद हमारे पास आई आर जो है वो प्रीफिक्स है और ये भी जो है वो नेगेटिव प्रीफिक्स है। क्लियर है? ये आप लोगों के पास, आप लोगों ने याद रखने हैं, ये आप लोगों के पास नेगेटिव प्रीफिक्सेस है। क्लियर? अब इसकी अगर तो एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट वाला हमारे पास है ए बी प्रीफिक्स है, मैं कह रहा हूं ए बी प्लस नॉर्मल। आपके पास ये, आप लोगों के पास जो रूट वर्ड है वो आपका पॉजिटिव है लेकिन उसके साथ आपने प्रीफिक्स लगा दिया, नेगेटिव प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये आपको क्या देगा, ये आप लोगों को नेगेटिव मीनिंग देगा। लेट्स सपोज नॉर्मल का मतलब ठीक कर देते हैं या मुनासिब कर देते हैं, मुनासिब नहीं या नॉर्मल, ठीक ठीक नहीं, अब नॉर्मल ठीक नहीं। क्लियर है? इसी तरीके से आप लोगों के पास कंप्लीट आ जाता है तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों के पास हैप्पी है तो अनहैप्पी हो जाएगा, कंपोज है तो डीकंपोज हो जाएगा, फिर इसी तरह से हमारे पास डिस का है तो लोकेट है जगह और डिसलोकेट जगह से हिल जाना, रेगुलर है तो उसके साथ आप ये प्रीफिक्स लगा देंगे इररेगुलर तो वह नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। आपने करना क्या, आपने सिर्फ ये जो प्रीफिक्सेस है नेगेटिव प्रीफिक्सेस इसको आप लोगों ने याद करना है सिर्फ। अब इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, इनके साथ डिफरेंट वर्ड लगा के उनके मीनिंग जो है वो गेस करने की कोशिश करेंगे जो कि आप लोग मुझे बताएंगे। क्लियर? अभी आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि आप लोगों ने अनकॉन्शियस, ठीक है जी, आप लोगों ने सिर्फ ये नेगेटिव प्रीफिक्सेस है इसको याद करने से। अब आप लोग बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जल्दी से बता दें।
दो चार मिनट है आप लोगों के, जल्दी से बता दें। और आप लोगों का जो आज का टेस्ट है वो 8 बजे के करीब होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेगेटिव आपने प्रीफिक्सेस जो है वो याद करनी है, और उस प्रीफिक्सेस से क्या होगा आपको वर्ड के मीनिंग गेस करने में इजी हो, और यही जो है वो वोकैबुलरी बिल्ड करने का जो मॉडर्न वे है वो यही है। अगर क्लियर है तो मुझे बता दे, जल्दी से बता दे, फिर लेक्चर जो है वो एंड करें। आपके 100 एमसीक्यूज नहीं होंगे तहिबा, आपके जो है वो ऑलमोस्ट 15 से 20 एमसीक्यूज होंगे। जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? हो गया क्लियर? ठीक है जी, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, और कल जो है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे। और टेस्ट की टाइमिंग बता रहा हूँ जी, टेस्ट की टाइमिंग जो है वो आप लोगों की आज का जो टेस्ट है FLP जो आप लोगों का होगा वो आप लोगों का 8 बजे के करीब होगा, और लेक्चर के बाद आप लोगों ने फीडबैक जो है वो अपना लाजमी देना है, 8 बजे होगा जी। ठीक है, और अच्छे से फीडबैक देना आप लोगों ने। ठीक है जी, ओके जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए।